किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। अपनी आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। वेलकम यू ऑल, दिस इज डॉक्टर अंजलि सक्सेना। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। डियर ऑल, आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला यूज करके। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, इसके इसको कैसे डिटरमाइन या कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ, जिनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अपने आज की इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो आइए अपने दिए हुए फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कोल हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। हमें बताया हुआ है हमारे दिए हुए फ्यूल में कार्बन है 85%, हाइड्रोजन है 8%, सल्फर है 1%, नाइट्रोजन है 2%, एश 4%। इसके अलावा हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दी हुई है 587 कैलोरी पर ग्राम। तो जैसे कि हमें ड्यूलॉन्ग ने बताया कि हमारा जो भी फ्यूल है, जो भी कैलोरीफिक वैल्यू यू आती है किसी भी फ्यूल की, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो लिबरेट हो रही है उस फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से, दैट इज ओनली ड्यू टू द कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन या एश, जिसे हम रेजिड्यू भी कहते हैं, ये कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। इनका रोल सिर्फ ये बताना है कि हमारे दिए हुए फ्यूल में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना होगा, हमारे दिए हुए फ्यूल में अभी कोई भी ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं दी हुई है, कोई भी परसेंटेज नहीं दी हुई है। तो लेट्स चेक कि हमारे फ्यूल में ऑक्सीजन है या नहीं है, पहले हमारा स्टेप यही होगा। तो ऑक्सीजन चेक करने के लिए हमें जितना भी कंपोजिशन दिया हुआ है, अगर उसको 100 में से माइनस कर दें, तो ये है 85 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। तो हम देख सकते हैं ये पूरा 100 निकल के आएगा, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो जीरो है, जो ऑक्सीजन है वो जीरो है, यानी कि हमारे इस फ्यूल में ऑक्सीजन नहीं है। आइए देखते हैं कि अब कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। हमसे कहा है कि ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू बताओ और उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। तो जब कभी भी कंपोजिशन दिया हुआ होगा और फ्यूल की बात की हुई होगी, तो मोस्टली आपसे कैलोरीफिक वैल्यू जब भी कैलकुलेट कराएंगे तो ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला ही यूज होगा। तो करते हैं यूज बाय अप्लाइंग ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। तो जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूं इसका फॉर्मूला कैसे आया या क्या क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं जिससे हमने ये फ्यूल का निकाला है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला था HCV विल इक्वल्स टू 1/100 इंटू 80 कार्बन, कार्बन कितना है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, प्लस 34,500 जो कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है, हाइड्रोजन माइनस फिक्स्ड हाइड्रोजन निकालने के लिए ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर, ये निकल के आने वाली है 1 किलोग्राम की पर किलो कैलोरी पर किलोग्राम में उस इस फ्यूल की जिसका हम कंपोजिशन रखने वाले हैं उसकी एचसीवी। और एलसीवी हम निकालेंगे, एचसीवी इसका तो हमेशा फॉर्मूला फिक्स रहने वाला है, एचसीवी माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो भी हमें दिया हुआ है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो आइए दिए हुए फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला यूज करके। तो एच सी वी विल इक्वल्स टू
1/100 80 इंटू कार्बन. कार्बन कितना दिया हुआ है हमें, हमें पता है हमारे फ्यूल में 85% कार्बन, 8% हाइड्रोजन और 1% सल्फर है, ऑक्सीजन जीरो है. तो हम यही यूज करेंगे. परसेंटेज की वजह से बाहर 1/100 कॉमन लिया हुआ है. तो हमारा कार्बन है 85, कार्बन है 85 प्लस 34,500, हाइड्रोजन है हमारा 8, ऑक्सीजन जीरो है अपॉन 8 प्लस 22,400 इंटू सल्फर हमें दिया हुआ है 1%. ये मेरा आंसर आने वाला है किलो कैलोरी पर किलोग्राम में. तो ये हो जाएगा 1/100. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 686,800 प्लस इस पूरे फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 276,000 प्लस 2240 इंटू 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया. ये जो भी आंसर आएगा ये किलो कैलोरी पर किलोग्राम में आएगा. और जब हम इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 965040 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. और इस तरीके से जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 9650.40 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. सो दिस इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल. हायर और ग्रॉस इज द सेम थिंग. तो ये हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन निकल के आई. तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हम जानते हैं LCV विल इक्वल्स टू HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो हमें HCV हमने अभी निकाली है जो कि हमारी आई है 9650.4 माइनस 9 इंटू हमारा जो हाइड्रोजन है वो 8% है तो 8/100 इंटू जो हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दी हुई है वो हमें दी हुई है 587 कैलोरी पर ग्राम. तो ये हो जाएगा 587. जो भी आंसर आएगा वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम में आएगा. कैलोरी पर ग्राम भी लिख सकते हैं इसको, किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा. इसको हम लिख सकते हैं 9650.4 माइनस 0.09 इंटू 8 इंटू 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9227.76 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. सो दिस इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू. दिस इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू. तो हमें दिए हुए फ्यूल की HCV और LCV निकाली. HCV और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो कि हमने निकाली है 9650.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. LCV और नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो NCV हमारी आई है 9227.76 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो इस तरीके से ये जो हमें फ्यूल दिया हुआ था जिसकी परसेंटेज ये दी हुई थी उस पर हमने ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई किया. HCV हमने इस फॉर्मूले से निकाला, LCV हमेशा ही इस फॉर्मूले से निकालेंगे. और क्योंकि थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला लगाया, प्रैक्टिकली करते तो बॉम कैलोरी मीटर लगा का फॉर्मूला लगाते. तो यहाँ पर हमने HCV कैलकुलेट किया जो कि इस तरह यहाँ पर आया. और इसके बाद हमने LCV कैलकुलेट किया जो कि ये आया. तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया है
तो डियर लर्नर्स, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए जो आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसका आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।